गांव बनावाली में। गांव बनावाली में सरपंच पद के उम्मीदवार बलजीत सिंह झाजरी हमारे बीच हैं। इनके पीछे जिस तरह से इनके समर्थक आप देख रहे होंगे, आज इन्होंने सरपंच पद होने के नाते, उम्मीदवार होने के नाते आज इन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया है और भारी भीड़ इनके नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान काफिले में शामिल थी। जिस तरह से ये अपने काफिलों को लेकर चल रहे थे तो यहाँ का माहौल शानदार रहा, और उसके बारे में चर्चा करते हैं बलजीत झाजरिया जी से। बलजीत जी बताइए, आपके काफिले में जी इस तरह से लोग जुड़े हैं, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों का प्यार है, सारा गांव छत्तीस बिरादरी मेरे साथ थी और सब सारे समूह में एक होकर चले हम, और ये विकास का मुद्दा है। गाँव में हम हर तरह के विकास के लिए एक विकासशील गाँव बनाना चाहते हैं, और उसके लिए हम हमारी पूरी टीम को लेकर साथ चल रहे हैं और हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है। जन मुद्दा है जो आप बता रहे हैं। देखो जी, पहला मुद्दा हमारा गवर्नमेंट स्कूलों का है। हमारा प्राइमरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, दोनों स्कूलों को हम बहुत ज़्यादा उनमें बहुत मोटिवेशन लेके आना है, हमें उनके अंदर बहुत ज़्यादा सुधार करना है। खेल के प्रति भी, स्टेडियम के प्रति भी, बच्चों की आज हमारा गाँव खेल और स्वास्थ्य में वैसे अच्छा है, और आगे आने वाले टाइम में हमारी यही है कि मैं बहुत मेरे गांव में मैं सारे समाज को लेके और मेरे गांव की छत्तीस बिरादरी को लेके मैं मेरे गांव को बहुत अच्छा तरक्की की ओर लेके जाना है, बहुत प्रगति करनी है। तो मेन मुद्दा हमारा विकास का ही रहेगा, गांव के स्कूल का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, यही मुद्दा मेन रहेगा, और उसके लिए सारी टीम हमारी यहाँ पे मौजूद है, आप देख रहे हो। देखो जी, यूथ सारा मेरे साथ है और मैं कबड्डी का भी डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट भी हूँ, तो मैंने लगभग, ज़्यादा तो नहीं कह सकता मैं, लगभग यूथ में 300 सर्टिफिकेट मैंने स्टेट और नेशनल में पार्टिसिपेट कराए हैं हमारे गांव के बच्चों को। उनमें से हमारे बीच में भी कुछ मौजूद है, काफ़ी गरीब परिवारों को भी मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई है। स्कॉलरशिप के तौर पर भी काफ़ी लगभग 20 लाख रुपये की राशि हमारे गाँव में आई है, वो भी मैंने खेल के माध्यम से गरीब परिवारों को दिलवाई है। तो मेरा लक्ष्य है कि बच्चा पढ़ेगा, खेलेगा, तो ही आगे बढ़ेगा, तो ही समाज बढ़ेगा, तो ही गांव उठेगा। तो मुख्य समस्याएं गांव की, पानी की, खेल की, शिक्षा की, ये सारी ये टोटल की टोटल समस्याएं हम सब मिलकर दूर करेंगे। तो देखो जी, हम उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं पिछले दिनों से, और माननीय हमारे विधायक जी भी हमारा बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, जगह जगह उन्होंने पाइपें बिलवाई, बड़ी कोशिश की है। हमारी पाइपें किरडान खेड़ी तक भी चली गई है, इधर हेड तक भी चली गई है, और अब तो लगभग क्षेत्र बिजाई के लायक हो चुका है, बिजाई शायद ये हो जाएगी, और आगे के लिए ये समस्या है, हम पूरे सहयोग के साथ विधायक या ऊपर तक जाके ये समस्या का समाधान करवा लेंगे, ये समस्या आगे नहीं रहेगी गांव में। गांव में पेयजल को लेकर आपकी क्या व्यवस्था है? पेयजल के लिए गांव में पेयजल की समस्या थोड़ी बहुत है, ढाणियों में थोड़ी समस्या है, और उसके लिए विधायक जी ने अभी अभी पीछे ही कुछ ढाणियों की व्यवस्था कर दी है। 1 किलोमीटर की ढाणियों तक तो व्यवस्था हो चुकी है सरकार की तरफ से, और बाकी समस्या जो 1 किलोमीटर से दूर की ढाणियाँ रहती है वहाँ के लिए हम माननीय विधायक जी से कह रहे हैं कि उनकी तरफ भी पानी पहुँचाया जाए, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि ये पानी पहुँच जाएगा, हम उसके लिए दिन रात एक करेंगे, हर ढाणी में पानी पहुँचाना हमारा लक्ष्य है। ये थे बलजीत झाजरी, तो उसको लेकर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, घोषणा पत्र मेरा बना है, उसमें काफ़ी मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, खेल के मुद्दे हैं, और आम आदमी के मुद्दे हैं, पानी को लेकर मुद्दे हैं, गलियों की साफ सफाई के मुद्दे हैं, मनरेगा को लेकर मुद्दे हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो हमें पीछे देखने को मिले हैं, उन सारे मुद्दों पे हम खरा उतरेंगे और उन मुद्दों को लेके चलेंगे, उनमें काफ़ी सुधार करेंगे, स्कूल में और शिक्षा में काफ़ी सुधार करेंगे, खेल में काफ़ी